नमस्कार, मैं हूं केशव चौहान, आप देख रहे हैं इंडियन ऑफ 24। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला एटा में मौजूद हैं। यहां मैं आपको बता दूं, यहां से बड़ी खबर जो आ रही है, छात्रस के रथवानपुर में जो भोले बाबा का सत्संग होने जा रहा था, साकार विष्णु हरि का, जो कि वहां पे भगदड़ मचने से लाखों की संख्या में 75 लोगों की मौत हो गई है। कुछ हाथरस मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिए गए हैं, कुछ एटा में पहुंचा दिए। एटा की जो संख्या है 27 है, जो कि 23 महिला है और 2 बच्चे हैं और बाकी 2 अन्य हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तस्वीरें, देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, जो मौत घेराव कर लिया गया है हॉस्पिटल का। देखिए वहां पुलिस बल मौजूद है। मैं बात करूंगा एटा राजकुमार सिंह कप्तान से, क्या है पूरी जानकारी जी। और सिकंदरा राहुल के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है और भी जनपदों में, ये क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है, इतने लोगों को मरने की आशंका है। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सब कितने हैं सर। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहीं हुआ है? पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 2:30 को आज चले गए इसमें कितने लोगों की मौत हो गई? 150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना करो ना मंत्री, एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। ज्योति, क्या हुआ है, कितने लोग इसमें घायल या डेथ हो गए? बहुत लोग थे। क्या पूरा काल हुआ, कैसे घटना ये? हम सरसों में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सरसों खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, लगने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही लगता हो गई, लग रही थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर रहे, उनकी तो मौत हो गई, साहब आई थी, मम्मी की ऐसी हालत हो गई। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उसी नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक हुआ मिसाल सस बोला, सस्ता खत्म ही जब जनता को जंग जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे इसमें। Thank you.
नहीं, और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। पुलिस भी है, उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं। देखिए इसमें जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का मैंने कार्यक्रम में दे सकते।